दंतेवाड़ा जिले का कटे कल्याण ब्लॉक का मोकपाल पोटा केबिन आदिवासी बालिका कल्याण छात्रावास। ये स्कूल अपने आप में अनोखा है। निरंतर शिक्षा को लेकर के ऐसे बच्चे जिनकी शिक्षा छूट गई है लगातार इसमें शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। कितना टाइम लगा ये बनाने में? एक दिन में बना दिया जी। पूरा पोटा केबिन बना दिया? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। शूमेकर ही एंड हिज वाइफ लिव्ड इन ए लिटिल हाउस ऑन द। मैं इंग्लिश चौथी से लेकर आठवीं तक के बच्चों को पढ़ाता हूँ। मेरा शुभ नाम शिव शंकर पांडे है और मेरी योग्यता एमए अंग्रेजी है और मैं दुर्गा कॉलेज रायपुर से एमए किया हूँ। तो उनको हमें कोई भी बात समझानी होती है तो हम ज़्यादातर उनको हमारी आसपास की वस्तुओं का उदाहरण देकर और यानी कि चैप्टर से यानी रिलेटेड कुछ दूसरी घटनाओं का उदाहरण देकर और अपनी स्वयं की भाषा में उन्हें समझाते हैं सर। क्योंकि उसमें रेत है, रेत में सूक्ष्म जीव ऑक्सीजन है, जबकि नम मिट्टी में सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जिसके कारण वो फिनोलेफ्थिलीन से डूबी जो रुई है वो अपना कलर। क्या नाम है मैडम आपका? आप ये पोटा केबिन में क्या है? सब्जेक्ट इंस्ट्रक्टर जीव विज्ञान। हमारे यहाँ इन बच्चों को हम लोग खुद जो सुबह पढ़ाते हैं वो चीज़ को रात को रिवाइज करवा के एक्स्ट्रा और कोचिंग क्लास देते हैं, जैसे कि जनरल नॉलेज का, जीके का, कंप्यूटर का, ये सब बाकी जगह क्या होता है उन लोग को दूसरे जगह कंप्यूटर करना पड़ जाता है या फिर पूरा नहीं सीख पाते, लेकिन यहाँ पे हर सब्जेक्ट हर क्लास के लिए एक टाइम टेबल बनाए कंप्यूटर के लिए, लर्निंग के लिए, जीके के लिए। गाँव के अंदर जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, मतलब शाला से आगे होते हैं या जो नक्सल पीड़ित प्रभावित बच्चे हैं स्कूल जाने से वंचित रह जाते हैं, तो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उन लोग को हम लोग यहाँ पर गांव संदरूनी क्षेत्र से लेके आए हैं। तो इसमें पोटा केबिन में पूरी सुविधाएं दी जाती है, आवासीय है यहाँ पे, खाने पीने से लेकर मतलब पहनने कपड़े हर चीज़ ही है। गणवेश देते हैं जी? गणवेश देते हैं और किताबें काफ़ी सब देते हैं। पोटा केबिन जैसी सुविधाएँ अगर सभी स्कूल में हो जाए तो निश्चित तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में नए आयामों को छुआ जा सकता है। मोकपाल कटे कल्याण ब्लॉक जिला दंतेवाड़ा से सर्वत नकवी, इंडिया अनहर्ड।